यूक्रेन की जंग, प्यूटन की मुश्किलात ने हिकमत अमली से मुतल्लिक जौहरी हथियार के इस्तेमाल का ज्यादा इम्कान बना दिया। अमरीकी माहिर ने खबरदार किया। एक सीनियर अमरीकी माहिर ने कहा है कि व्लादिमीर प्यूटन के बढ़ते हुए मसाइल की वजह से रूस की जानिब से टैक्टिकल जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का ज्यादा इम्कान है। टैक्टिकल जौहरी हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल होने के लिए बनाए गए हैं। अमेरिका के साबिक कौमी सलामती के मुशीर और अक्वामे मुत्तहदा में सफीर जॉन बोल्टन ने बताया कि रूसी सदर हमले के बाद ज्यादा मुश्किल में हैं। कैफ और मगरिब की तरफ से रेफरेंडम के एक सिलसिले के बाद यूक्रेन के चार खित्तों के रूस के अलहाक पर बहस करते हुए मिस्टर बोल्टन ने तबसरा किया। जाहिर है कि प्यूटन सोचते थे कि ये रूस के हौसले बढ़ाने वाला होगा, इससे यूक्रेन के साथ मुस्तकबिल की सरहदों की बुनियाद रखने में मदद मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि कम अज कम दुनिया के बारे में प्यूटन के नुक्ते नज़र के मुताबिक लड़ाई अब रूस की सरजमीन पर हो रही है और रूसी फौज बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। Панці? Доброго ранку, передавайте Україні. Добрий ранок. Україна. Погода гарна, сонце світло. मिस्टर बोल्टन ने मजीद कहा, लिहाजा मैं बगैर किसी सवाल के सोचता हूँ कि बाकायदा रूसी सियासत में प्यूटन के मुल्क की अंदरूनी मुश्किलात में इजाफा होता है और इस बात का कुछ ज़्यादा इम्कान होता है कि हिकमत अमली से मुतल्लिक जौहरी हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है, क्योंकि रूस अपनी सरजमीन से खुद मुतासर हुआ है। मैं समझता हूँ कि प्यूटन इसे अपनी हुकूमत के लिए खतरे के तौर पर देख सकते हैं, जिस सूरत में जौहरी हथियार के इस्तेमाल का ज़्यादा इम्कान होगा। मिस्टर बोल्टन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे जौहरी होने की ज़रूरत है। इस पर मुनहसर है कि रूसी असल में क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये कहना चाहिए कि प्यूटन एक खुदकश नोट पर दस्तखत करेंगे अगर उन्होंने हिकमत अमली से मुतल्लिक जौहरी हथियारों की इजाज़त भी दी। ये बहुत अहम है कि हम जौहरी हथियारों के इस्तेमाल को रोकें, वरना जो सबक चीन, ईरान, शुमाली कोरिया में सीखा जाएगा वो बिल्कुल गलत सबक होगा। इस तमाम सूरत हाल के सबब दुनिया में बहुत बेचैनी पाई गई है। अगर रूस और अमेरिका जौहरी हथियार का इस्तेमाल की तरफ जाते हैं तो इन ममालिक को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं। माहरीन का इस सिलसिले में कहना है कि हालिया एटमी मौसम सरमा की मॉडलिंग से पता चलता है कि इलाकाई तनाज़े के बाद भी अरबों लोग भूख से मर सकते हैं।
एक जोहरी जंग आलमी आबो हवा को इस बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है और अरबों लोग भूख से मर सकते हैं। पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।